IRCTC की वेबसाइट पर अलग अलग ID बनाकर टिकटों की बुकिंग करने वाले एक टिकट दलाल को कोडरमा RPF ने चंदवारा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बता दें कि चंदवारा SBI बिल्डिंग के नीचे कंप्यूटर वर्ल्ड नामक दुकान पर छापेमारी की गई थी। वहीं RPF प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि ये छापेमारी धनबाद रेल मंडल के कमांडेंट के निर्देश पर की गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान तिलैया निवासी राजकुमार शशि के रूप में हुई है। रेलवे के जो ई टिकट बनाते हैं उसके विरुद्ध कल आवाज भी कार्रवाई हुआ है, तो आज कार्रवाई के लिए हम लोग चंदवारा गए थे, चंदवारा थाना के सहयोग भी लिए थे। तो वहाँ पर एक कंप्यूटर वर्ल्ड करके दुकान था जिसके ओनर थे राजकुमार शशि, उसके दुकान पर छापामारी किया गया था। तो छापामारी के दौरान 18 टिकट पाया गया था जो पर्सनल आईडी से बनाए थे। पूछताछ करने पर बतलाए कि हमें 11 पर्सनल आईडी है, पर्सनल आईडी सभी बतलाए कौन कौन पर्सनल आईडी है, उस सबसे हम टिकट काट करके बेचते हैं। क्या कुछ बरामद हुआ? एक लैपटॉप बरामद हुआ है, 18 टिकट बरामद हुआ है और एक टिकट से संबंधित रजिस्टर अति है, उसको रजिस्टर बोल सकते हैं बरामद हुआ, जिसमें टिकट के संबंधित विवरण है, हिसाब किताब है। थाना प्रभारी ने बताया कि छापेमारी में अलग अलग जगहों के यात्रा के 18 टिकट, एक मोबाइल, एक लैपटॉप, बही खाता आदि बरामद हुआ है। साथ ही बताया कि आरोपी राजकुमार शशि अलग अलग 11 आईडी से टिकट बनाता था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ के बाद आरोपी को रेल न्यायालय धनबाद भेजा जाएगा। पंजाब केसरी TV के लिए कोडरमा से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट।